तेज चलो भाई तेज, आराम से आराम से, गिरना मत, बस पानी ऐसी चीज है। इधर भाई मेरी बुआ जी ने ना बहुत जोर शोर से काम कर रखा है, लहसुन पे लगे हुए तब से लेकर। अच्छा तो पूछे तो थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप, होप आप सब बढ़िया है भाई। तो भाई सुबह के 11:15 बजे अभी, तो सबसे पहले भाई हिमाचल के इस मेरे गांव दाना में ना जो आज का प्रेजेंट मौसम है ना, वो आज बहुत सही मौसम है बना हुआ ना मेरे गांव में। हल्के से बादल है, सामने धूप खिली हुई बढ़िया से अभी। तो यार भाई आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आजकल हिमाचल में ना चला हुआ है सीजन लहसुन के बीज डालने का और मटर के बीज डालने का। हम भी किसान ही है तो हमारे पास भी भाई लहसुन का बीज पड़ा हुआ है यहाँ पे ना, कुछ हम ले गए खेत में, कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसको लेके अभी खेत जा रहे हैं और इसको अब हमने बीजना है खेत में ना। और मटर का बीज आपको दिखाता हूँ, वो बाहर रखा है मैंने अभी। तो मटर का बीज भाई मैंने यहाँ रखा था, सुबह मैंने इसको 4:30 बजे डाला था भिगोने के लिए। तो देखो जरा अभी कितना कुछ भीगा हुआ है, तो देख लो मटर कैसे हो गए बिल्कुल ना, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ गया, मतलब ये देख लो किस तरह के मटर है। ये मटर जो है ना, इनको हम अभी छाण देंगे, पानी अलग हो जाएगा और इसके दाने अलग हो जाएंगे। अब ये मटर सीधे बीजने लायक तैयार हो गए, जूस लग रहा है बिल्कुल, संतरे का जूस है ना ऐसे बड़े? आपने पीना जूस आपने? ये पानी की 2 बोतलें हो गई रेडी पीने के लिए, पीने का पानी ले जाएंगे इसमें ना। इसमें डाल दे पानी की बोतल, लाओ भर के, ठीक है, पास ना सड़क से। और मैं ये सामान अब पैक करता हूँ किसमें, गिल्ले में, ठीक है, ये सामान पैक हो जाएगा इसमें, ये गिल्ला रहा इधर। पानी वाले बंदे का वेट कर रहा हूँ मैं, अभी तक नहीं आया बंदा, कहाँ गया ये भाई। इधर हमारे गांव में लोगों ने पशु वगैरह निकाल दिए बाहर, जंगल में लेके जा रहे हैं। सही है भाई, अब शाम को ही आएंगे वापस, ही यहाँ से निकलेंगे और ऊपर जाएंगे सीधे जंगल में, इस साइड जाएंगे, ये ऊपर इस एरिया में। A few moments later. इंतजार हो गया ख़त्म और ये पानी वाले बंदे भी आ गए। वो तेज चलो भाई तेज, शाबाश, कर दो लोड, कर दो दोनों बोतलें, आराम से गिरना मत, आराम से करना, बस बस आप, थैंक यू। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने खेत में, चलते चलते ना गर्मी से ऐसे हो गए बुरी हाल ना कि प्यास ही बहुत लगी है। मिले तू भी, आजकल गर्मियों में ना बस पानी ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी राहत देती है, और छाँव, पानी और छाँव, बस दो ही है ना, और भी कुछ। तो सीन ऐसा है भाई कि हमने पिछले कल ना इस खेत में लहसुन का बीज डाल दिया है और बस लास्ट हिस्सा बचा हुआ है थोड़ा सा ना, जहाँ पे बुआ जी काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे बस ये वाला हिस्सा बचा है, ये जहाँ बुआ जी खड़े हैं, और निचले लाइन बची थोड़ी सी ना नीचे वाली, ये वाली पेड़ के साथ वाली, बस बाकी पूरा का खेत लहसुन के बीज से लगा दिया हमने। यहाँ से करने हमने मटर स्टार्ट, दे मटर ना थोड़े थोड़े है ना बोझे, बस वाल करके माटे, वाल करके माटे, लहसुन आई जी तो लग रही है, बस ऊपर से मिट्टी डाल देनी इसमें, काबिल गाशन तू ये कुल तो जान। मटर का बीज डालते डालते ना भाई मेरे हाथ भी एकदम बिल्कुल लाल हो गए, एकदम में कलर होता है ना। अब मटर का ये डब्बा ख़त्म हो गया, अब थोड़े से मटर जो बचे ना कट्टे में,
वो डाल दे, डाल दे इसमें, डाल दे ऐसे कट्टा कर ना, कट्टा उल्टा कट ऐसे ऐसे कर तो डालता रहेगा, तेरे हाथ लाल हो जाएगी इस तरह। डाल दे, दस तेरे डालने उसे डाल दे भाई। तो भाई अब ऐसा बस ही की वो पीछे कोने में मेरी माँ भी पहुँच गई है घर से, ये लंच ले आए अभी ना, क्योंकि अब सवा एक हो गया तो थोड़ी देर में हम लंच भी करेंगे। अब ये पूरा का पूरा खेत थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, मटर लगा के, मटर का बीज डाल के और लहसुन का बीज डाल के। खेत के बिल्कुल पड़ोस में ना यहाँ हमारे मक्की का खेत है और साथ में इसमें अदरक भी है, देख रहा नीचे अदरक। तो ये मक्कियाँ बिल्कुल सूख गई है क्योंकि इसमें से जो मक्की थी वो निकाल ली है, बस पत्ते ही बचे। अब ये तो सूख रही है, सूखी रही अब। और सामने मौसम का हाल देखो भाई, बादल इकट्ठे हो रहे बादल ना एक जगह पे। तो अभी तो मौसम सही है फ़िलहाल, तो फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं ऐसी। और मक्की के ऊपरी तरफ देखो मौसम, तो इधर भी ठीक ही है मौसम, लेकिन अगर इस साइड नज़र घुमाए ना पूरब की साइड, तो देखो भाई यहाँ तो बादल वगैरह काफ़ी इकट्ठे हो गए, वही काले 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 मेघा, काले मेघा पानी तो बरसाओ पानी ना। क्या 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 दोबारा बोलना, क्या बोला तेने? अब बोली रहा तो जोर जोर से बोलना। तो माँ भी भाई घर से पहुँच गई है हमारा सहयोग करने। माते क्या लाया इसमें? अच्छा खाना पीना ला रखा आपने, भात दाल रोटी है, यही होना भी। फिर भाई मेरी बुआ जी ने ना बहुत जोर शोर से काम कर रखा है, लहसुन पे लगे हुए तब से लेकर ना रेस्ट भी नहीं करे ढंग से। बुआ जी रेस्ट तो कर लो थोड़ा सा, मैं जानती तू फारे खाओगे, भूख ला रही, भूख लग गई आपको। हाँ सवायक हो गया अब खाना चाहिए आपको लंच। लहसुन की कलियाँ ही हमारी ना, अब ये बुआ जी ऐसे लगा रहे, बस एक हाथ के गैप में, जितना एक हाथ का साइज होता है ना बड़ा हाथ का साइज के हिसाब से उस गैप में डाल रहे ऐसे। ये दूसरा कटोरा भर रहे हैं यहाँ पे। चलो हमारी टीम बढ़ रही है, इसका मतलब चार लोग हो गए अब यहाँ पे काम करने वाले। खेत में जितने ज़्यादा बंदे हो गए ना उतना काम जल्दी और फटाफट से हो जाता है, ज़्यादा टीम का मतलब है ज़्यादा काम, ज़्यादा प्रोग्रेस और सब कुछ ज़्यादा ही, सब कुछ ज़्यादा ही होता है जितने बंदे ज़्यादा हो, बस यही है। सवा दो बज गए भाई अब ना, और अब हमारे लहसुन का बीज डाल के ख़त्म हो गया। बीज तो अभी बचा हुआ है हमारे पास ना, इधर कट्टा है अभी भरा हुआ पूरा ना, तो अभी तो काफ़ी है। अब जो भाई अगली बारी है वो है ये जो गोबर खाद हमने इकट्ठा कर रखा ना यहाँ पे काफ़ी टाइम से, इसको अब खेत में फैला देना है हमने ना जगह जगह पे। चलो लेट स्टार्ट भाई, करो अब गोबर को ढोने का काम और इसमें बढ़िया से अब फैलाने का काम। इधर ठंडी ठंडी हवा में और छाँव में हो रहा है दोपहर का भोजन, पहाड़ी भोजन। खा ले दोपहर तुम्हें है कक्का, खा ली तुम्हें दाल चावल लिया तो दाल चावल भात रोटी। अच्छा तो पूछे लिया तो तुम्हें। A few moments later. हमने इतना सारा गोबर डाल दिया है और क्या बोलते हैं आधा गोबर पीछे बच रहा है, इसको यहाँ पे लगा देना है और परे भी ले जाना है वहाँ पे। और शाम के बज गए थे, हमने जाना थोड़ी देर में घर। चलो माता चलते हैं ना, और सवा छः हो गए। फोन हो रहा
हो गया, अंधेरा हो गया भाई। देखो सनसेट भी हो गया, सब कुछ हो गया भाई, अब अंधेरा हो रहा अब। और आज का काम भी इतना सा हुआ हमारा ना, तो इस काम को करने में भाई बड़ी मेहनत लगी आज। भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, भगवान ने हमारा साथ दिया, कोई बारिश नहीं हुई और छाँव छाँव में काम हुआ बढ़िया मज़े से। थकावट तो बहुत हो रही है बट काम बिल्कुल बिना रुकावट के हुआ, ये सबसे बड़ी बात हुई। तो मज़ा आया भाई आज काम करने का, तो थकावट तो हो रही है, हो तो होती है भाई काम करते हुए। तो घर जाके अब नहाएंगे धोएंगे रेस्ट करेंगे और सो जाएंगे बस मज़े से। अब क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को इसी यहीं पे ख़त्म कराऊँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को मार दो भाई लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मार दो यार सब्सक्राइब मार दो। अगले ब्लॉग में मिलेंगे भाई आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।